Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। One more point we are here. और एक मुद्दे के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं। 24th point. 24वां मुद्दा। We are discussing gospel contradiction. हम सुसमाचार के विरोधाभास की चर्चा कर रहे हैं। We are studying. Let's study. आइए अभ्यास करें। Matthew 17 verse 21. मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन। And Matthew 10 chapter verse 2. और मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 2वां वचन। In 10 chapter and verse 2, Jesus gave authority to his disciples to cast out demons. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 2वें वचन में यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का। Even we read in Mark 16 chapter verse 17, in my name you will cast out demons. और मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वें वचन में भी हम पढ़ते हैं कि मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माएं निकाल दोगे। But in Matthew 17 verse 21, लेकिन मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन, the disciple they failed to cast out demons, कि चेले दुष्ट आत्माओं को निकालने में निष्फल हो गए। And Jesus said, without fasting you cannot cast out demons. और यीशु ने कहा कि उपवास के बिना तुम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। So in the name of Jesus or by fasting you can cast out demons. तो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल सकते हैं या आप उपवास करके निकाल सकते हो। So what is the truth? तो सत्य क्या है? Let us study. आइए अभ्यास करें। Amen. Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Okay, Matthew 17 chapter verse 21. अच्छा, मत्ती का सुसमाचार 17वां अध्याय 21वां वचन। Jesus disciple they were not able to cast out demon and they came to Jesus and Jesus said something. यीशु के चेले दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाए और वे यीशु के पास वापस आए और यीशु ने कुछ कहा। And Jesus said, this kind does not out by prayer and fasting, does not go out, but by prayer and fasting. In Hindi, it's 20. Matti ka susamachar 17वां अध्याय 20वां वचन. Why they were not able to cast out demons? So Jesus said, वे दुष्ट आत्मा क्यों निकाल नहीं पाए और इसलिए यीशु ने कहा, this kind does not go out, or this does not. This kind goes not out by but by prayer and fasting only. So इस तरह के दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलते हैं। So in Hindi it is omitted. तो हिंदी में ये वचन को निकाल दिया है। In many Bible it is omitted. बहुत सारे बाइबल में यह वचन को निकाल दिया गया है। It's direct 19 to 22 and 21 is omitted. यहाँ पर सीधा 19वें वचन से सीधा 22वें वचन में चले जाते हैं, 21वां वचन नहीं होता है। So if Jesus said that this demon you can cast out only by prayer and fasting, तो यदि यीशु ने ऐसा कहा कि यह दुष्ट आत्माओं को तुम विश्वास और प्रार्थना और उपवास से ही निकाल सकते हो। Why then he said in Matthew 10 chapter and further to his disciple, why he said that in my name I give you authority to over the demons. तो मत्ती के ही 10वें अध्याय में पहले यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं पर विजय पाओगे, निकाल पाओगे? You can cast out demons. You will able to heal all manner of sickness because I'm giving you power. तुम दुष्ट आत्माएं निकाल पाओगे और सारी बीमारियों को चंगा करोगे क्योंकि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। So Jesus gave power to his 12 disciples. तो यीशु ने अपने 12 चेलों को अधिकार दिया, सामर्थ दिया against this unclean spirit. यह सब अशुद्ध आत्माओं के विरोध में to cast out these demons. यह दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। Now there is a question, in Jesus name we can cast out or We have to fast and pray to cast out the demons. तो अब सवाल यह उठता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए यीशु का नाम बोलना है या उपवास प्रार्थना करनी है? Yes, in Mark, even Mark 16 chapter verse 17, Jesus said, whosoever believed, they will able to cast out demon in my name. हाँ, मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वें वचन में भी यीशु ने कहा, जो कोई भी विश्वास करेगा वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। And even in Luke 10 chapter verse 17, disciple came and said, Lord, in your name we are able to cast out demons. और लुका का सुसमाचार 10:17, 10वां अध्याय 17वें वचन में भी चेलों ने कहा कि प्रभु तेरे नाम में हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। So in the name of Jesus there is authority or we have to fast and pray to cast out demon. तो यीशु के नाम में अधिकार है या फिर दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए
हमें उपवास प्रार्थना करनी है. So what Jesus is teaching? तो यीशु क्या सिखा रहा है? Because already he has given authority in Matthew 10 chapter to his disciple. क्योंकि पहले से 10वें अध्याय में मत्ती के सुसमाचार में यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया था. They to cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए. But they were not able to cast out demons in the 17th chapter. लेकिन 17वें अध्याय में चेले दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए. And so Jesus answered in verse 21 that without prayer and fasting this kind of demon they are not been cast out. इसीलिए मत्ती 17वां अध्याय 21वें वचन में यीशु ने जवाब दिया कि प्रार्थना और उपवास के बिना इस तरह के दुष्ट आत्माएं नहीं निकलते. But the truth is, लेकिन सत्य यह है, Jesus didn't taught like that. यीशु ने उस तरह उस प्रकार नहीं सिखाया. But he said, लेकिन उसने कहा, you can cast out demon in my name. कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हो. This disciple came and said, Lord, why we are not able to cast out? चेलों ने आकर पूछा कि प्रभु हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए. So Jesus answered, तो इसीलिए यीशु ने जवाब दिया, because of your unbelief. तुम्हारे अविश्वास के कारण. And more he said in Luke, in Mark we can read that he just said, with prayer you can do it. और मरकुस में और आगे हम पढ़े तो यीशु ने कहा कि प्रार्थना से ही तुम यह कर सकते हो. Because when you doubt, you need to pray. क्योंकि जब तुम संदेह करते हो तो तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है. And always you don't have to use power, but there is intercession even. और हर बार तुम्हें सामर्थ्य का अधिकार का उपयोग नहीं करना है, लेकिन मध्यस्थ की भी जरूरत होती है. Because people you should feel their pain. क्योंकि तुम्हें लोगों के दर्द को महसूस करना है, समझना है. You should bow down before Father and you should intercede for those people. और तुम्हें पिता के सम्मुख झुककर घुटनों पर आकर ऐसे लोगों के लिए मध्यस्थी करनी चाहिए. So Jesus taught to disciple to be humble even. तो यीशु ने अपने चेलों को नम्र बनने का भी सिखाया. Not just go out in with power and do ministry. सामर्थ के साथ जाकर सेवकाई ही करना, केवल वही नहीं, बट ऑल्सो टू इंटरसेट फॉर द पीपल, फॉर पुअर पीपल. लेकिन जो कंगाल लोग हैं उनके लिए मध्यस्थी भी करना. सो इन मोस्ट बाइबल्स दे हैव नॉट ओमिटेड बट दिस वर्सेस आर मैथ्यू 17 चैप्टर वर्स 21. दिस वर्सेस आर एज As a belief there. तो बहुत सारे बाइबल भाषांतरों में यह वचन मत्ती 17वां अध्याय 21वां वचन It's like a doubt, so they have not added it. यह वचन पर उन्हें संदेह जैसा लगता है, इसीलिए उन्होंने निकाल दिया है, वचन को रखा नहीं है. And you can find out brackets when it's right, or you can see the note given below in the Bible. लेकिन बाइबल में आप नीचे अगर कोई नोंद लिखी हो तो वहां से, या तो कौंस में अगर लिखा है तो वहां से आपको उसे उस बात के बारे में पता चल सकता है. You can know that this is a doubt word. It is added in this Matthew. कि आपको पता चल सकता है कि यह वचन के बारे में लोगों को संदेह है, या तो फिर यह वचन को अधिक मानकर जोड़ा गया है. So we believe. तो हम ऐसा मानते हैं. That in name of Jesus there is power. यीशु के नाम में सामर्थ है. But when you doubt Jesus, So Jesus scolded his disciples saying, why you doubt? लेकिन जब हम संदेह करते हैं और ऐसा हुआ, इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को डांटा कि तुमने संदेह क्यों किया? Go and pray. जाकर प्रार्थना करो. Amen. Amen. So Jesus was not teaching that you should fast and pray to cast out demons. तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए तुम्हें प्रार्थना और उपवास करना है, ऐसा यीशु नहीं सिखा रहा था. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I give you authority. मैंने तुम्हें अधिकार दिया है. And in Mark 16:17 he taught. और मरकुस 16वां अध्याय 17वें वचन में यीशु ने सिखाया, If you believe, कि यदि तुम विश्वास करो, then by those who believe, this sign will follow. They will able to cast out demons. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे. So when there is doubt, you cannot cast out demons. तो जब संदेह होता है तो आप दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते. Even though you have power, यदि आपके पास सामर्थ हो तो भी. Even though you know the name of Jesus, यदि यीशु का नाम आप जानो तो भी. But if there is
डाउट देन यू कैनॉट डू यू कैनॉट कास्ट आउट डीमंस. लेकिन यदि आपके अंदर संदेह होता है तो आप दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते. आमेन आमेन. So this is the truth. तो यह सत्य है. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए. And today what we have studied, let God help us to understand. और आज हमने जो अभ्यास किया वह समझने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे. Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं. Thank you for sharing your truth. आपका सत्य हमें बताने के लिए आपका धन्यवाद. When we read your word without Holy Spirit, without meditate, जब हम आपके वचन को पवित्र आत्मा की सहाय के बिना पढ़े या मनन किए बिना पढ़ते हैं, there is confusion. तो फिर गड़बड़ी रहती है. We need you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है. You are the one who reveal the truth. आप ही हो जो सत्य को प्रकट करते हो. You are the one who lead us in all the truth. आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में ले जाते हो. Who are watching, who are joined, let they agree with the truth. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे सत्य के साथ सहमत हो जाए. Let they too be blessed with your truth. वे भी आपके सत्य से आशीष पाले. Once again, thank you for all your grace, Jesus Christ. यीशु मसीह आपके सारे अनुग्रह के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद. Thank you for clearing all the doubt. सारे उलझनों को गड़बड़ी को स्पष्ट करने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद. Who are joined with us, watching, listening. जो लोग देखते हैं और सुनते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, they be blessed in Jesus name. वे यीशु के नाम में आशीषित हो जाए. Be filled with Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे. And they be guided in the all truth. और सारे सत्य में वे उनको मार्गदर्शन मिले. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. आमेन. Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें. Our Father who art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो. Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए. Thy kingdom come. आपका राज्य आए. Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो. And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो. As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया. And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ. Thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thy is power. पराक्रम आपका है. Thy is glory. महिमा आपका है. Forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो. In Jesus name we say. यीशु के नाम में हम कहते हैं. Amen. Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो. Hallelujah. यहोवा का महिमा हो. Shalom. Shalom. Praise God. Praise God.